सबसे पहले बात करते हैं गुजरात चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हुआ। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, इन पर दो चरणों में चुनाव होगा, यानी कि दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण की 89 सीटों के लिए 5 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए 10 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 और 17 नवंबर है, यानी कि 14 नवंबर पहले चरण वालों के लिए और 17 नवंबर दूसरे चरण वालों के लिए। पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर तक होगी, जबकि दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर तक होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि पहले चरण के लिए 17 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 21 नवंबर है। गुजरात और हिमाचल चुनाव का 8 दिसंबर को एक साथ परिणाम आएगा। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 8 संकल्प बताए हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर 8 संकल्पों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिए केवल कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है। पहला संकल्प, गुजरात कांग्रेस की संकल्प में रुपए 500 में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, ये दूसरा संकल्प। 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 10 लाख तक का इलाज और दवाइयां मुफ्त मिलेगी, ये भी संकल्प। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा, ये भी संकल्प। अब इसे घोषणा पत्र में जो घोषणाएं होती हैं उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद होगा और 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, शायद ये प्रतिदिन के हिसाब से होगा। 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। इसे इतर कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी होगी। कोरोना से जान गंवाने वाले 3 लाख लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, ये भी घोषणा की गई है। इनमें से कई घोषणाएं ऐसी हैं जो राजस्थान में पहले से लागू हो रही हैं, और शायद इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे थे कि राजस्थान मॉडल को अगर गुजरात में चुनाव जीतते हैं तो वहां पर भी लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा, 10 नवंबर से 2 दिवसीय ओडिशा यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ये उनकी अपने गृह राज्य की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू 10 नवंबर की दोपहर पहुंचेंगी भुवनेश्वर। दिल्ली लौटने से पहले पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर की राष्ट्रपति वहां जाएंगी और वहां दर्शन करेंगी। और बात करते हैं योगी कैबिनेट के बड़े फैसलों की। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक महानिदेशक होंगे। औद्योगिक विकास एवं व्यवस्थापक निवेशन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है। वाराणसी में PPP मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, और ये दरअसल योगी कैबिनेट के वो बड़े फैसले जिनका असर जमीन पर दिखाई देगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजा सांसद पटनायक का पत्र। अमर पटनायक ने की उन देशों की सूची जारी करने की अपील जहां उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मिल सकता है बैंक से कर्ज। तेल अवीव से यूनिवर्सिटी होने से एक विद्यार्थी को नहीं मिला कर्ज। इसराइल से भारत के अच्छे रिश्ते, फिर भी कर्ज वहां नहीं मिल रहा। शिक्षा के लिए कर्ज के संबंध से में जारी होनी चाहिए RBI का सर्कुलर कि वो कौन कौन से देश है जहां हायर एजुकेशन के लिए अगर बच्चे पहुंचते तो वहां बैंकों के जरिए कर्ज मिल सके। जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुंछ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिरा है। आतंकियों से AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 5 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, और पुंछ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को
मार गिरा है। ईडी के समन पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बयान, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा आदिवासियों को दबाया, केंद्र सरकार से अपना हक मांगा तो ईडी और सीबीआई भेज दिया, ये झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, विपक्ष की साजिश बार बार विफल हो रही है, अगर मैंने अपराध किया है तो गिरफ्तार कीजिए, केंद्र सरकार सिर्फ समन क्यों भेजती है। आज छत्तीसगढ़ में मेरा पहले से भी एक कार्यक्रम है और आज मुझे प्रवर्तन निदेशालय ने तलब कर लिया है, अगर मैंने इतना बड़ा अपराध किया है तो आओ और मुझे गिरफ्तार करो। पंजाब में ज्यादा पराली जलने से दिल्ली बना गैस चैंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 अंक तक पहुंचा सूचकांक। पंजाब के खेतों में पराली जलाने की घटनाएं 33.5% बढ़ गई है। पंजाब में मौजूदा सीजन की 40% फसल कटना बाकी है। 15 सितंबर से 1 नवंबर तक पराली जलाने की 17,846 घटनाएं घटी हैं। पिछले साल इसी अवधि में दर्ज हुई थी 15,065 घटनाएं। केंद्र पंजाब की आप सरकार के साथ ये मुद्दा उठाया गया और कमाल की बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो बीते दिनों तक ये कहती थी कि वहां की सरकारें पराली जलाने वालों पर पाबंदी लगाई है क्योंकि वहां का धुआं दिल्ली में आता है और दिल्ली के लोगों के लिए नुकसान पहुंचाता है, वही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही कि नहीं नहीं पराली की वजह से नहीं है, दरअसल जो बाहरी राज्यों से बसें आ रही हैं उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जेएमएम के निशाने पर, राज्यपाल ने कहा था कभी भी फट सकता है एटम बम। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सचिव सुप्रियो भटनागर का दावा, खुले में चल रही साजिश और सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश, राज्यपाल को स्पष्ट करना चाहिए एटम बम का क्या मतलब। तमिलनाडु राज्यपाल आरएन रवि को हटाना चाहती है द्रमुक। लोकसभा सांसद टीआर बालू ने विपक्षी पार्टियों को लिखा पत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संयुक्त रूप से ज्ञापन देने की अपील की है। आरएन रवि को राज्यपाल पद से हटाने की अपील की है, सभी विपक्षी पार्टियों से ज्ञापन पत्र दस्तक करने की भी अपील की गई। कांग्रेस तैयार है लेकिन अन्य पार्टियों ने अभी तक फैसला नहीं किया। तिरुवनंतपुरम में बंद नहीं होगा बीवाईजेयूस का कार्यालय, बायजूस का कार्यालय। अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर बंद करना चाहती थी बायजूस, नौकरी खतरे में देख 140 कर्मचारियों की सरकार से गुहार। केरल के श्रम मंत्री वी शिवन कुट्टी ने जांच के आदेश दिए। बायजूस के सीईओ ने की मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात, इसके बाद बायजूस का कार्यालय बंद नहीं करने का फैसला लिया गया। फिलहाल नौकरी पर बने रहेंगे बायजूस के 140 कर्मचारी। टीडीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू का बयान, बीसी नेता अयन पात्रुडू और उनके बेटे की गिरफ्तारी की निंदा। चंद्रबाबू ने अयन पात्रुडू और उनके बेटे की रिहाई की मांग की है। इस दौरान सरकार पर अयन पात्रुडू के परिवार को सताने का आरोप लगाया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा जब से जगन सत्ता में आए हैं वो अयन पात्रुडू और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार सता रहे। विशाल कपूर बने WSL के नए सीईओ, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं विशाल कपूर, और विशाल कपूर ने हाल ही में पूरा किया है अपना कार्यकाल। बिजली मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। नोएडा में अब नहीं चलेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, 1,19,612 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। BS01 की गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन रद्द होगा क्योंकि गाड़ियां BS4 BS5 तक आ गई। बड़ी तादाद में सरकारी विभागों में भी चल रही है गाड़ियां। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर NGT ने दे रखे हैं आदेश, RTO ने भी सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलने वाली हैं।
ये 1,19,612 वाहन है जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। उत्तराखंड में भर्तियों में नकल रोकने के लिए बनेगा कानून। तैयार मसौदा उत्तराखंड विधानसभा में पास कराने की तैयारी है। नकल निषेध अधिनियम 2022 तैयार किया गया है। शासन स्तर पर हुई बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें बकायदा जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का भी प्रावधान होगा। राजस्थान में नकल विरोधी कानून लागू है और अब उत्तराखंड के अंदर भर्तियों में नकल रोकने के लिए कानून बना है। मसौदा लगभग इसका तैयार है, विधानसभा में पास कराने की तैयारी है। इसको नाम दिया गया है नकल विरोधी नकल निषेध अधिनियम 2022। शासन स्तर पर हुई बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसमें बकायदा जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान है और यह भी हो सकता है कि एक आरोप के लिए जुर्माना भी हो और जेल। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों से अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए। दुबई से आ रहे एक परिवार से 4,97,000 अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए हैं। बाकायदा साड़ी, जूते और सूटकेस में छिपाकर ये डॉलर ला रहे थे। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत। देहरादून हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट एयरवेज की सेवा स्थगित की गई है। अपनी हवाई सेवा को अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित। दिल्ली से देहरादून और वाराणसी से देहरादून सेवा स्थगित की गई। स्पाइसजेट एयरवेज द्वारा संचालित की जा रही थी ये हवाई सेवा, जिसको अब स्थगित किया गया। कर्नाटक में स्कूली छात्रों के लिए योग अनिवार्य कर दिया गया। रोजाना 10 मिनट का ध्यान सत्र होगा। सरकार ने सभी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन को इसके निर्देश दिए और कहा कि हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान सत्र आयोजित करें। छात्रों की सहन शक्ति, एकाग्रता में सुधार करने और उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया। अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे चीन को एक तगड़ा झटका लगा है। 23 टन वजनी रॉकेट लॉन्च होने के बाद फेल होकर वापस आ गया। अब पृथ्वी पर गिरने की तैयारी में है। पिछले हफ्ते लॉन्च रॉकेट पहले भी फेल होकर पृथ्वी पर गिरते रहे हैं चीन के रॉकेट। एरोस्पेस कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने इस पर चिंता जाहिर की। चीन के अंतरिक्ष मलबे की वजह से पूरी दुनिया को खतरा है। हालांकि चीन जो दिवाली पर चलने वाले रॉकेट बनाता है वो भी ढंग से आसमान में नहीं पहुंचते हैं और ये तो अंतरिक्ष के लिए स्पेस के लिए बनाए गए रॉकेट हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि रॉकेट पृथ्वी के किस हिस्से पर आकर गिरेगा ये खतरा बना होता है और अगर वो एयर स्पेस के अंदर जीरो ग्रेविटी में पहुंच गया तो उसके बाद अंतरिक्ष में एक ऐसा मलबा तैयार होता है जो बाकी सैटेलाइट्स के लिए खतरा साबित होता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर।